अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दाल चावल के साथ खाने वाली फिश, जिसे चेलवा मछली भी कहते हैं, जो छोटी मछली कहलाती है। इसको फ्राई करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसको फ्राई करने के लिए, इसमें मसाला मिलाने। इसके लिए हमने 4 से 5 घंटे के लिए चावल भिगो दिया था, जो अच्छे से भीग चुका है। इसको मिक्सर जार में बारीक पीस लेना है। देखिए, हमने चावल को मिक्सर जार में निकाल लिया है। अब इसमें हम हरी धनिया ऐड करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। हमने चावल को बारीक पीस लिया है, अब हम इसमें इसको ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम फिश को फ्राई करने। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। तेल ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। चारों तरफ इसको घुमा लेंगे और जो हमने फिश में मसाले मिलाए थे उसको थोड़ा सा डाल देना है और पूरा फैला लेना है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है हमारी, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। दाल चावल के साथ खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मेहनत भी बिल्कुल कम है। देखिए, इसमें तेल भी बहुत ही कम यूज होगा। चारों तरफ इसको अच्छे से फैला लेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा डालते हुए। इसमें तेल का यूज बहुत ही कम होना है, बस इतना ही तेल हम यूज करेंगे और इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी मच्छी अच्छे से पीछे से फ्राई हो चुकी है। इसको पलट लेते हैं, ये एक साथ ही पलटी जाएगी ऐसे। देखिए, हमारी मछली कितनी अच्छी दिख रही है, कितनी अच्छी फ्राई हो रही है और तेल भी बिल्कुल कम लगा है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये मछली, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में। 1 टेबल स्पून तेल हल्का सा इधर भी ऐड करेंगे, ताकि हर तरफ से हमारी मछली अच्छे से फ्राई हो जाए। हमारी फिश बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत ही क्रंची। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी फिश बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। देखिए, बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है, बहुत ही क्रंची बनी है, क्योंकि हमने चावल का यूज किया है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।